हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ कोकोनट बर्फी। देखिए, बहुत इजी है बनाना, एकदम झटपट बन जाती है। जब भी आपका मीठा खाने को मन करे, आप इस बर्फी को बना के खा सकते हैं। और देखिए, अभी होली फेस्टिवल आने वाला है, तो इस फेस्टिवल में आप ज़रूर अपनी फैमिली को बना के खिलाइएगा और अपने मेहमानों को बना के खिलाइएगा। तो चलिए झटपट बनाते हैं फिर कोकोनट बर्फी। तो इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच घी, फ्रेश नारियल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये 2 कप मैं डालूंगी। देखिए, मुझे इसे 2 से 3 मिनट हो गए भूनते हुए और इसमें से बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है। अभी हम इसमें ऐड करेंगे 2 कप दूध। देखिए, मैंने 2 कप दूध डाल दिया। देखिए, इसे पकाते हुए मेरे 3 से 4 मिनट हो गए और ये हल्का सा गाढ़ा होने लग गया है, तो इसे हम 1 से 2 मिनट और पकाएंगे। 1 कप चीनी लिया है, तो इसमें हम ऐड करेंगे। चीनी को अच्छे से करेंगे मिक्स। ये 1/2 कप मैंने लिया है मिल्क पाउडर, तो ये भी इसमें ऐड करेंगे। देखिए, ये छोटी इलायची पाउडर है, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, तो आप भी इसे ज़रूर डालिएगा। इसे अच्छे से करेंगे मिक्स। तो देखिए, ये धीरे धीरे ड्राई हो रहा है, तो इसे हमें अच्छे से ड्राई करना है। इसे हम 5 मिनट के लिए और पकाएंगे। देखिए, काफ़ी ड्राई हो चुका है, तो अभी हम गैस कर देंगे बंद। और ये काफ़ी गर्म है, तो इसे हम हल्का ठंडा होने के लिए रख देंगे। मैंने केक टिन लिया है, इसमें मैंने लगाया है बटर पेपर। अभी हम इस तरह से इसे प्रेस करेंगे, इसे अच्छे से फैलाएंगे। फ्रीजर में रखेंगे। तो देखिए, इसे हम रख देंगे 20 से 25 मिनट के लिए। देखिए, इसे 1/2 घंटा हो गया था फ्रीजर में रखे हुए और ये पूरा परफेक्ट तरीके से सेट हो चुकी है। तो चलिए इसे बाहर निकालते हैं। तो अभी हम इसे पीसेस में काटेंगे। तो आप इसे किसी भी ड्राई फ्रूट के साथ इसे डेकोरेट कीजिए, ये अच्छी लगती है। तो इस तरह से मैं डेकोरेट कर लूंगी थोड़ा सा। देखिए, मैं आपको अंदर से भी तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए, कितनी नरम बनी है, कितनी बढ़िया लग रही है ये बर्फी। तो देखिए, एकदम परफेक्ट कोकोनट बर्फी बनकर तैयार है। तो इस होली के फेस्टिवल में आप भी बना के खाइएगा और अपने गेस्ट को भी बना के खिलाइएगा। देखिए, बहुत हेल्दी है, ये होममेड है और कोकोनट तो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा होता ही है। तो बताइएगा आज का वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बाय फ्रेंड्स।